हाउ यू ऑल डिसाइड एट द मल्पनी फ्रॉम टॉकिक्स. हम सबको चाहिए होता है ना कि हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, फोकस रहे चीज़ों में, या एक ब्रेन हमारा बहुत शार्प हो. हम सब इसके लिए सोचते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हम इसके लिए ढूंढते हैं नेट पे या फिर अलग अलग जगह जाके. सो आज हम बहुत हैंडी टिप्स जो हम घर में कर सकते हैं उसकी बात करेंगे. एंड आई मीन ये सब लोग कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली ग्रोन अप किड्स और टीनेजर्स या जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए चीज़ बहुत अच्छी रहेगी. बिकॉज कि पढ़ाई करते वक्त एक ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, राइट? और वो ब्रेक में क्या करें, कुछ एक्टिविटी करना होता है, साथ में माइंड इसमें भी एंगेज होता है कि मेरा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर कैसे करूंगा. सो ये जो सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ, इट ऑल योर फन एक्टिविटी एज वेल एज ब्रेन बूस्टिंग एक्सरसाइज. सो वेरी फर्स्ट इज यू कैन सॉल्व द पजल. आई मीन कि ऐसा नहीं कि बच्चों वाले पजल, एक जिग सॉ करके पजल्स आते हैं जिसमें थाउजेंड ऑफ नंबर्स रहते हैं पजल्स के, एंड यू हैव टू एंगेज. आई मीन आपको बहुत फोकस, बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो चीज करनी है. सो दिस कुड बी योर वन एक्टिविटी. सेकेंड एक्टिविटी इज कि यू कैन प्ले अ कार्ड गेम. कि वैसे तो हम समर्स या छुट्टियों में खेलते हैं, बट ये ट्रिक भी आप इसको यूज कर सकते हो. बिकॉज इट्स नॉट ओनली आई एम सेइंग, ये रिसर्चर्स बोलते हैं, जिन्होंने रिसर्च किया है वो लोग बोलते हैं इसको, कि जब एक शार्पनेस मिलता है ब्रेन को, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है हमारा. सो देयर कुड बी सो मेनी गेम्स लाइक रमी, सॉलिटेयर, सो मेनी गेम्स आउट ऑफ कार्ड्स यू कैन प्ले. थर्ड इज यू कैन ट्राई ऑलवेज टू बूस्ट योर वोकेबलरी. अब वोकेबलरी अच्छा करना तो हमेशा ही अच्छा है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज स्ट्रांग होता है जब हम वोकेबलरी. तो जब भी आप कोई अनफैमिलियर या नया वर्ड कहीं पढ़े या सुने, सो ट्राई टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक और समवेयर, लुक एट द डिक्शनरी. और उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि यू हैव टू यूज इट. आपको उसको यूज करना है फ्रिक्वेंटली. जब भी आपको मौका मिले ट्राई कीजिए, सो दैट कि आप सोचोगे ये वर्ड को कैसे सेंटेंस में यूज करना है. सो आपको ब्रेन एक्टिविटी होगा वो. अनदर थिंग यू कैन डू इज कि ट्राई सम एक्टिविटी वेयर यू कैन इन्वॉल्व ऑल योर सेंस. जो हमारे पांचों इंद्रिया है वो इन्वॉल्व हो, ऐसा कोई एक्टिविटी करिए. या फॉर एग्जाम्पल आप कोई नए रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, तो ट्राई टू डू ऑल द थिंग्स लाइक स्मेल ले रहे हो उसका, टेस्ट कर रहे हैं, चीजें क्या हो रही है देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फील कर रहे हैं. सो ये सारी चीजें कीजिए. सो आपका ब्रेन एंगेज रहेगा इसमें. नेक्स्ट यू कैन डू इज ट्राई अ न्यू रूल. आई मीन कि जो रेगुलर एक्टिविटीज हम करते हैं उसी को अलग ढंग से करके देखिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्यूशन या आप कोई क्लास जाते हो, सो ट्राई टू टेक अ न्यू रूट. हफ्ते में एक आधी बार कोई दूसरा रास्ता लेने की कोशिश कीजिए. जब साइकिलिंग करते हो या बाइक, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और बहुत मजा आएगा. या डे टू डे भी जब कोई चीज करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर लिफ्ट से रोज जा रहे हैं तो सीढ़ियों से जाके देखिए कभी. सो अदर थिंग यू कैन डू इज यू कैन ट्राई अ न्यू लैंग्वेज. कि जहां भी आप रहते हैं, जरूरी कि कोई क्लासेस ले, कोई भी आपके नेबर हो, कोई दूसरे लैंग्वेज के हो, सो यू कैन ऑलवेज ट्राई न्यू लैंग्वेज. तो उसमें भी बहुत सारा आई मीन ब्रेन एक्टिविटी बहुत होता है. दूसरा आप कर सकते हैं डांस. जब भी कुछ नहीं समझ में आ जाता तो डांस कीजिए, उससे एक क्विक फ्रेशनेस आपको मिलता है, आई मीन फिजिकली एज वेल एज मेंटली. देन यू कैन ट्राई अ न्यू स्किल. कोई भी एक नया स्किल सीखने का कोशिश कीजिए. घर में है मे बी गिटार प्लेइंग या कुछ, या नहीं कुछ तो यू कैन ट्राई योर हैंड्स ऑन सम न्यू रेसिपी. किचन में जाइए, बहुत सारी चीजें ट्राई कीजिए. सो दिस ऑल आर सम एक्टिविटीज दैट यू कैन डू योर सेल्फ एट होम और क्विकली बहुत अच्छे से हो जाता है. सो मेक योर मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन फोकस स्ट्रांग विद दिस एक्टिविटीज. यू बाय.